जालौन मेट्रो से मरेश्मी पांडे, लखनऊ यूपीपीसीएल के स्मार्ट प्रीपेड मीटर टेंडर से जुड़ी सबसे बड़ी खबर। अडानी ग्रुप को यूपी में एक और बड़ा झटका। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम ने भी निरस्त किया प्रीपेड मीटर का टेंडर। अडानी जीएमआर को मिलने वाला था डीवीवीएनएल प्रीपेड मीटर टेंडर। केवल दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम का करीब 7,000 करोड़ का था टेंडर। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने तय की है दरें। अब तक मध्यांचल, पूर्वांचल और दक्षिणांचल डिस्कॉम के टेंडर्स निरस्त। अब तक करीब 21,000 करोड़ के प्रीपेड मीटर के टेंडर निरस्त हुए। एमवीवीएनएल 5,400 करोड़, पीयूवीवीएनएल का 9,000 करोड़, डीवीवीएनएल का 7,000 करोड़ का टेंडर निरस्त। अडानी ग्रुप को टेंडर पर मिलना पर करीब 10,000 रुपए से अधिक की आ रही थी दर। स्टैंडर्ड्स बिल्डिंग गाइडलाइन में 6,000 तक है स्मार्ट मीटर की दर। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने तय की है दरें। करीब 25,000 करोड़ का है यूपी के 2.5 करोड़ स्मार्ट प्रीपेड मीटर टेंडर। बड़ी और अहम खबर आप देख रहे हैं, जहां अडानी ग्रुप को यूपी में एक और बड़ा झटका लगा है। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम ने भी निरस्त किया है प्रीपेड मीटर का टेंडर। देखिए खास रिपोर्ट देवेश कुमार स्वर्णकार के साथ। दरअसल उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी योजना थी। लगभग 2.5 करोड़ प्रीपेड मीटर लगाने थे और 25,000 करोड़ के आसपास का इसका टेंडर था, वो भी था अडानी ग्रुप के। लेकिन अडानी ग्रुप को लगातार उत्तर प्रदेश में तीसरी बार झटका लगा, उनका टेंडर जो है वो निरस्त हुआ है। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम ने इसका टेंडर निरस्त किया। दरअसल स्मार्ट जो प्रीपेड मीटर है उसका अडानी ग्रुप की तरफ से 10,000 रुपये तक का झटका गया, जबकि स्टैंडर्ड रेट वो 6,000, यानी 4,000 रुपये का भारी भरकम अंतर था। और 2.5 करोड़ के लगभग स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने थे, तो इस टेंडर को दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम ने जो है निरस्त कर दिया गया है। इसमें अडानी ग्रुप को यूपी में बड़ा झटका भी लगा है। अडानी जीएमआर को मिलने वाला दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का प्रीपेड मीटर टेंडर जो है निरस्त कर दिया गया है। इस बारे में और जानकारी हमारे पास ये है कि केवल दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम का 7,000 करोड़ का टेंडर था, ये निरस्त कर दिया गया है। और रूरल इलेक्ट्रॉनिक नोटिफिकेशन कॉरपोरेशन की अगर हम बात करें तो वहाँ से दर तय होती हैं और उसमें बहुत बड़ी अंतर था, इसको लेके भी जो है ये बातें सामने आई हैं। अब तक लगभग 21,000 करोड़ का टेंडर निरस्त किया जा चुका है। इसमें से मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का 5,400 करोड़ का है, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम का 9,000 करोड़ का है और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम का 7,000 करोड़ रुपये का टेंडर है जो निरस्त किया गया है। अडानी ग्रुप का लगभग जो है काफ़ी नुकसान है, ऐसा जो हमारे सामने जानकारी है उसके मुताबिक लगभग 25,000 करोड़ रुपये का इनका जो टेंडर था वो निरस्त अभी तक निरस्त हो चुके हैं। और इसमें लगभग यूपी के 2.5 करोड़ जो विद्युत उपभोक्ता हैं उनके घरों पर प्रीपेड मीटर लगाने की योजना थी। दरअसल होता क्या है कि अभी तक विद्युत विभाग अपने उपभोक्ताओं को पहले विद्युत सेवाएं प्रोवाइड कराता था, उसके बाद तब कहीं जाकर महीने के बाद जो है उनसे बिल लिया जाता था। लेकिन अब जो प्रीपेड मीटर की व्यवस्था है उसको आपको पहले मोबाइल सिम की तरह रिचार्ज कराना होता है, उसको आप जितना रिचार्ज कराएंगे उतनी ही सेवाएं आप पाएंगे। इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की जो व्यवस्थाएं थी उसी के तहत एक टेंडर निकाला गया था और अडानी ग्रुप को इसका टेंडर मिला था। लेकिन अभी तक पूर्वांचल, मध्यांचल और दक्षिणांचल तीनों विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के जो टेंडर्स हैं वो रद्द कर दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका अडानी ग्रुप को यूपी में। जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।